आजी साहब, आप तो उस नौजवान को अच्छी तरह जानते हैं। क्या वाकई वो एक नेक और इबादत गुजार इंसान है? जी हाँ बादशाह सलामत, उसकी शराफत और इबादत गुजारी की कस्में खाई जा सकती है। इस खादिम की राय में शहजादी के लिए उससे बेहतर शौहर और कोई नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइए, क्या वो हमारी बेटी के ऐब जानने के बावजूद भी उससे शादी के लिए राजी हो जाएगा? मुझे यकीन है बादशाह सलामत, वो जरूर राजी हो जाएगा। खुदा करे तुम्हारी बात सच निकले। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। आओ सिपा सलार आओ, वो नौजवान कहाँ है? तुम उसे अपने साथ नहीं लाए? वो नेक नौजवान बारियाबी के इंतजार में है। उसे हाजिर करो। अल्लाहु 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 बादशाह सलामत को इस गुलाम का सलाम कबूल हो। आओ नौजवान आओ, हम बड़ी बेताबी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गुस्ताखी माफ हो बादशाह सलामत, जिस बेताबी से आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, अगर उसी बेताबी से आप खुदा को याद करते तो शायद ज्यादा फायदे में रहते। सुभान अल्लाह, खुदा की याद तो हमेशा हमारे दिल में मौजूद है नौजवान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको इसका इनाम देगा, जरूर देगा। नौजवान तुम खड़े क्यों? तशरीफ रखो। बादशाह सलामत शुक्रिया, शुक्रिया बादशाह सलामत। आप बादशाही सल्तनत के साथ साथ एक बुजुर्ग इंसान है, मैं आपके सामने बैठने की बेअदबी भी नहीं कर सकता। हम तुम्हारे इखलाक से बहुत खुश हुए नौजवान। हम चाहते हैं कि अपनी शहजादी का हाथ तुम्हारे हाथों में दे दे। मेरे हाथों में? हाँ सलमान बेटे, बादशाह सलामत तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं। मगर काजी साहब। मगर क्या नौजवान, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं? तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया नौजवान। बादशाह सलामत मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या जवाब दूं। एक फकीर जिसकी रात और दिन खुदा की इबादत में गुजरते हो, वो शादीशुदा जिंदगी की उलझनों में कैसे पड़ सकता है? यादे खुदा अपनी जगह पर नौजवान, शादी करके घर बसाना भी तो इंसान के लिए जरूरी होता है। आप भी सही कह रहे हैं काजी साहब। तो हम समझे तुम शादी के लिए तैयार हो? आपका हुक्म सराखो बादशाह सलामत। शाबाश बेटे शाबाश, तुमने मेरी बात की इज्जत रख ली, मुझे तुम पर फख्र है। मगर काजी साहब, हम नहीं चाहते कि इस नेक नौजवान को किसी तरह के अंधेरे में रखा जाए। नौजवान, निकाह से पहले हम तुम्हें एक राज की बात बताना जरूरी समझते हैं। राज की बात?
हाँ नौजवान, और वो राज की बात ये है कि हमारी बेटी अंधी, गूंगी, बहरी और हाथ पैरों से अपाहिज है। क्या? इतने सारे ऐप सुनने के बाद अगर तुम इनकार करना चाहो तो हम तुम पर दबाव नहीं डालेंगे। तुम अपनी मर्जी के मुख्तार। मुझे लड़की थोड़ी नहीं, मुझे तो बादशाहत चाहिए, बादशाहत। उसके लिए एक नहीं, 10 ऐप वाली लड़की से भी शादी करना पड़े। क्या हुआ बेटे? बादशाह सलामत तुम्हारी मर्जी जानना चाहते हैं। हम और आप कौन होते हैं बादशाह सलामत? खुदा की बनाई हुई किसी चीज में ऐप निकालने वाले। उसने शहजादी कुछ ऐसा भी बनाया है, उसमें जरूर उसकी कोई ना कोई कुदरत होगी, जिसमें ऊपर से इतने ऐप दिखाई देते हैं। हो सकता है कि वो अंदर से उतनी ही हसीन और बेऐब हो। आशा सलामत, आपने मुझे अपनी बेटी की खिदमत करने का मौका दिया है। हो सकता है कि इसी तरह से खुदा मुझसे खुश हो जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब से आपकी बेटी मेरी आंखों से देखेगी, मेरे कानों से सुनेगी और मेरी जुबान से बोलेगी। वो मेरे हाथ पांव से दुनिया का हर काम पूरा करेगी बादशाह सलामत। वाह, क्या ख्यालात है! हमने तुम्हारे बारे में जो सोचा था, तुम तो उससे भी बढ़कर निकले। काजी साहब, आपकी पसंद बेमिसाल है। मगर बादशाह सलामत, मेरी एक गुजारिश है। बोलो बोलो बेटे, हम तुम जैसे दामाद के जहेज में सोने चांदी के महल बनवा देंगे। नहीं बादशाह सलामत, मुझे सोने चांदी के महल नहीं चाहिए। मैं जहेज जैसी गलत रस्म को बढ़ावा नहीं देना चाहता बादशाह सलामत। और फिर खुदा ने आपको ताकत बख्शी है, आप तो जहेज दे देंगे, लेकिन जरा सोचिए सोचिए बादशाह सलामत, एक गरीब माँ बाप जब अपनी बेटी को कुछ नहीं दे पाएंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटे। बादशाह सलामत, अगर आप वाकई मेरी खुशी चाहते हैं तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं शहजादी के साथ आपके महल में नहीं बल्कि अपने घर में रहूं और उसे अपनी मेहनत से कमा के खिलाऊं। ये तो मेरे लिए ही नहीं, मेरी बेटी के लिए भी बड़े फख्र की बात होगी। बेटे तुम्हें इजाजत है, तुम शहजादी को जैसे चाहो वैसे रखो, हम दोनों इसमें बहुत खुश होंगे। तो फिर इसमें देर नहीं करना चाहिए बादशाह सलामत, बेहतर होगा शादी की तारीख जल्द अज जल्द मुकर्रर कर दी जाए। क्यों नहीं, लेकिन सलमान बेटे, हम चाहते हैं तुम एक नजर हमारी बेटी को भी देख लो। नहीं बादशाह सलामत, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है बेटे। बेटी खुर्शीद, हमारी बेटी है शहजादी खुर्शीद। लेकिन आप तो कह रहे थे कि... हाँ बेटा, हमने तुमसे कहा था हमारी बेटी अंधी है, गूंगी है, बहरी है, हाथ पैरों से अपाहिज है। जी हाँ, हमने तुमसे झूठ नहीं कहा था बेटे। हमारी बेटी ने आज तक जो गुनाह की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, इसलिए वो अंधी है। हमारी बेटी ने अपनी जुबान से कभी कोई गलत बात नहीं कही, इसलिए वो गूंगी है। हमारी बेटी के कानों में कभी कोई गलत बात नहीं पड़ी, इसलिए वो बहरी है। मेरी बेटी ने अपने हाथों से कभी कोई गुनाह नहीं किया और ना ही उसके कदम कभी गुनाह की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए मेरी बेटी हाथ पैरों से अपाहिज है। आफरीन है आपकी बेटी पर, आफरीन।
और आफरीन है आप पर जो आप ऐसी नेक बेटी के बाप हैं। खुदा पाक की कसम, जो ऐब आपकी बेटी में है, अगर वो ऐब दुनिया की सब बेटियों में हो जाए तो ये दुनिया जन्नत का एक नमूना बन जाए। बादशाह सलामत, मुझे आज अपनी किस्मत पर नाज हो रहा है कि आपने ऐसी नेक बीवी का हाथ मेरे हाथ में देकर मेरी जिंदगी संभाल के रख दी। बादशाह सलामत, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। खुदा तुम दोनों खुश रखे। खुश रखो। उसके बाद शहजादी खुर्शीद से मेरी शादी हो गई। मैंने कहा करके उसे अपने घर ले आया और बादशाह के महल के सामने ही मैंने खजूर की दुकान खोल ली। खजूर की दुकान और बादशाह के महल के सामने? हाँ, मैं ठहरा एक नंबर का यार आदमी। हुजूर की दुकान खोलने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी दिलचस्पी तो बादशाह के तख्त पर थी, जिसमें मेरी एक चाल थी। अल्लाह 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 अल्लाह। भाई साहब, हाँ, ये खजूर कैसे दिए? एक अशर पे फीस ही है भाई। एक अशर पे एक सिर? क्या बात है भाई साहब, कीमत कुछ ज्यादा लगती है क्या? नहीं, ये तो बहुत कम है। उस दुकान पर तो दो अशरफे में एक सिर बिक रही है। मरने के बाद खुदा को मुंह भी तो दिखाना है भाई। यहाँ ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा तो वहां जाकर सूद समेत लौटाना पड़ेगा। अल्लाह, तो फिर वो दुकानदार इतने ज्यादा क्यों लेते हैं? उनका ईमान उनके साथ है भाई। मैं ये दुनिया खरीद कर अपनी आखिरत नहीं बेचना चाहता। इंसान को मुनाफा उतना ही कमाना चाहिए जितना कि आटे में नमक। वाह वाह, खुदा हर दुकानदार को आपकी तरह समझ देते। भाई साहब, एक सिर तोल दीजिए। जी अभी लीजिए। आप तो तोल में भी ज्यादा देते। बड़े मियां, दुकानदार को कभी कम नहीं तोलना चाहिए, वरना वहां जाकर जवाब देना पड़ता है। वाह वाह वाह, क्या बड़े इंसान हैं आप। अरे, ये बादशाह सलामत के दामाद हैं। क्या, बादशाह सलामत के दामाद हैं? नहीं भाई, मुझे बादशाह सलामत का दामाद नहीं, बल्कि एक सच्चा और नेक इंसान बना रहने दीजिए, वही मेरे लिए बहुत है। लीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा आपका भला करे। अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। देखा बादशाह के दामाद को, अब तो हुआ ना यकीन कि वो खजूरें बेचता है। बेचारा इतना बड़ा आदमी और इतना मामूली काम। अरे भाई, जो बादशाह अपनी बेटी और दामाद का ख्याल नहीं रख सकता है, वो हम गरीबों का ख्याल क्या रखेगा। बड़ा जालिम बादशाह है। हटो हटो हटो, क्या भीड़ लगा रखी भाई? है भाई, देखा बेटा, ये है बादशाह सलामत का दामाद। बादशाह के दामाद को देख रहे हो? बादशाह के दामाद को तमाशा लगाया हुआ है, जो इतनी भीड़ इकट्ठा की वो तमाशे की तो बात ये सिपह सलार साहब, एक बादशाह सलामत का दामाद और खजूर। चलो चलो भागो यहाँ से।
तुम सबको हवालात की सैर करा दूंगा। चलो बेटा, चलो चलो। सिप्पा सलार, तुम्हारी बताई हुई बातें हमारे कानों में पहले भी पहुंच चुकी हैं, बल्कि हमने खुद अपनी आंखों से सलमान को शेर सवा से खजूर तोलते हुए देखा है। हमारी समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। ये खजूर की दुकान तो हमारे लिए सर का दर्द बन गई। जान की अमान हो आलम बना, अब तो लोग दुकान के सामने खड़े होकर हुजूर का मजाक उड़ाने लगे हैं। जरूर उड़ाते होंगे, क्योंकि हमसे मिलने आने वाला हर मेहमान उसकी दुकान से गुजर कर आता है, और जब सलमान को खजूर बेचते हुए देखता है तो यही सोचता है कि हम अपनी बेटी पर, अपने दामाद पर कितने जुल्म ढा रहे हैं। आलम बना, मुझ नाचीज की तो ये राय है कि हुजूर किसी तरह दामाद साहब को समझा बुझा कर महल में रहने के लिए राजी कर ले। वो बहुत ही खुददार इंसान है, नहीं मानेगा सिप्पा सलार। फिर भी आलमपना को कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। तुम ठीक कहते हो, लोगों के मजाक से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। सिप्पा सलार, तुम जाकर सलमान को खबर कर दो कि हम उससे मिलने आ रहे हैं। जो हुक्म आलम बना। हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई।